का जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको ताल के साथ में गाने को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ताल बजती है उसमें हम कैसे गाने को उठाते हैं, उसका सम और खाली जो हमारा छूट जाता है बजाते वक्त, उस चीज को आप कैसे समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको ताल के साथ, जैसे अभी ये ताल बज रही थी, ये देखिए, ये एक ऐप होता है, आप इसमें भी ऐप को डाउनलोड करके कहरवा ताल लगा करके और अपने गाने को जज कर सकते हैं। इसका नाम होता है तबला रिदम, इसको आप अपने उसमें डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के अपने मोबाइल में, ठीक है। तो देखिए इसमें ही चल रही है ताल, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे समझेंगे कि गाना कहाँ से उठ रहा है, जो मैंने अभी लिख रखा है, ये देखिए ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, इनको हम कैसे समझें। ताल को मैं बंद कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पर ताल कहरवा, मेरा जूता है जापानी, ये पूरी लाइन जो है 4 बीट में भरी गई है। और देखिए जैसे मैंने हमने हाथ पे काउंट किया था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, मेरा जूता। अब हमने इसको चौथी मात्रा से क्यों उठाया है, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और इसको अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है आप भी ताल के साथ में किसी भी गाने को बजा पाएंगे। देखिए कहरवा में 80% गाने कहरवा में ही बनते हैं, कहरवा ताल बहुत ही पॉपुलर ताल है और सबसे ज्यादा फेमस ताल है, उसके बाद दादरा ताल आती है। तो ये जैसे हमारी जो ताल चलती है तो उसमें हमें गाने को उस जगह से उठाना होता है कि उसका जो फोर्स होता है ताल का, जो ठेका होता है, वो कहाँ पे पड़ रहा है, और वो कहाँ पड़ रहा है, उसके पहले कितने बोल आ रहे हैं, उनको हम कैसे लेकर के उस बोल पे पहुंचे जहां पे उस गाने का जोर पड़ रहा है। अब जैसे इसमें क्या है, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता। अब जैसे अगर हम हाथ पे काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। जहां ताली आ रही वही सम है, मेरा, अब मेरा पे तो सम नहीं है, मेरा जूता है जापानी, जूता पे समाया तो मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता, मेरा जूता, मेरा 4 नंबर पे, चौथी मात्रा से हमारा ये गाना शुरू हो रहा है। अगर उसको हम गिनतियों से काउंट करेंगे ऐसे, मेरा जूता है जापानी, मेरा, अब क्योंकि पहली मात्रा पे तो जोर नहीं पड़ता, जोर पड़ रहा है दूसरी मात्रा पे, लेकिन हमें अपने गाने को उस जगह से उठाना है कि उसका जो गाने का जोर है, जहां पे वो फोर्स करता है, उसको हमें पहली मात्रा पे लाना है, ठीक है। और पहली मात्रा पे लाएंगे तभी आपका वो सम पे गाना आपको समझ में आएगा। इसको दूसरी तरीके से भी समझा जाता है, उसके लिए मैंने और भी वीडियो बनाए, लेकिन उससे शायद नहीं समझ पाए होंगे आप, इसलिए मैंने और सरल किया है इसको। और सरल क्या है कि हमें गाने को उस जगह से उठाना है, कहीं से भी आप गाने को उठाइए, जो गाने का जोर है वो आपका पहली मात्रा पे आना चाहिए, ठीक है। जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता, जूता पे जोर पड़ता है। तो जूता पे जब जोर पड़ेगा तो हमारा वो उसकी मात्रा जो है वो पहली मात्रा पे हमें लाना है। तो इसीलिए हमने, अगर आप मेरा भी नहीं समझ पाते हैं, मेरा जूता है जापानी वहां से नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपकी जो ताल बज रही है, जैसे ये देखिए मैं ताल फिर से बजाता हूं, अब ये ताल बज रही है, इसको हम यही रख लेते हैं, यहां पे देखिए आप, अब हमारा जोर कहां पड़ रहा है, जूता पे। तो हम मेरा अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम कहां से शुरू करेंगे, जूता है जापानी मेरा, बाद में मेरा को हम पकड़ लेंगे, अभी हम उस बोल को कैच करेंगे जहां पे जोर पड़ता है, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा। और पहली बार में आप अपने उसी सम से गाना शुरू कीजिए जहां पे आपकी ताल का जोर पड़ रहा है, देखिए,
गाना चाहे वो कहीं से भी उठता हो, आपके गाने का जो जोर है, जहाँ पे जिस बोल पे जोर पड़ता है, आपको उस बोल को ताल के सम पिलाना है। जूता है जापानी, जूता है जापानी, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, मेरा जूता। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा कि ये 8 मात्रा चल रही हैं और हम इसको 4 मात्रा में काउंट कर रहे हैं, तो कहरवा ताल जब चलती है तो उसमें सिंगल बीट में कोई गाना नहीं चलता है, गाना हमेशा डबल बीट में चलता है। 8 मात्रा की ताल को हमें 4 मात्रा में लाना होता है, क्योंकि गाने जो बनते हैं वो हमेशा डबल बीट में बनते हैं, सिंगल बीट में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो कैसे हमारी चल रही है ताल? जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा। समझ रहे हैं आप? धागे नाती नक धीना, धागे नाती नक धीना, धागे। अब ये जो धा है वही से हमें शुरू करना है, और धा पे हमारा क्या आ रहा है? जूता। जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी, जूता है जापानी मेरा, जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता। आगे वही, तो इस तरह आप कहरवा ताल के साथ में अगर रियाज करें और उसको समझ करके ताल को करें, तो आप, मुझे लगता है कि आपकी जो ताल की प्रॉब्लम है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। उसके बाद में भी देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भाई उसके लिए तो मैंने बहुत बार बोला है कि जब तक देखिए आपको कोई समझाएगा नहीं, तब तक कोई चीज हमको कैसे समझ में आएगी। हम कई बार अपनी मर्जी से लगे रहते हैं, अपनी मर्जी से हमें लगता है हम कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में जो हमको समझ में नहीं आती है जब तक कोई समझाता नहीं है। ठीक है, और यही गाना नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे गाने हैं, उनको भी इसी तरह से हमको पकड़ना होता है। अब जैसे यहाँ पे ये जो हमारा लिखा हुआ है, अगर हम इसको मिटा दें और यहाँ पे हम दूसरा गाना लिख दें, तो दूसरा गाना हमारा कैसे आएगा? अब देखिए, ये जैसे हमने उस लाइन को हटा दिया, मेरा जूता है जापानी, उसको हटा दिया, हमने लिख दिया जिंदगी एक सफर है सुहाना। ठीक है, अब इसको हम कैसे भरेंगे? अब ये हमारी जो है, इसका हमारा जो है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये हमारी बीट जो है 8 मात्रा की बैठेगी, लेकिन अभी उसको हम 4 मात्रा में ही देख लेते हैं। जैसे देखिए सिस्टम वही है, इसका भी जोर कहां पड़ता है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी, आप अगर जिंद से हम नहीं उठा पाते हैं तो इसको कैसे उठाएंगे? गी एक सफर है सुहाना, गी एक सफर है सुहाना, अगर आप जिंद से नहीं उठा पाते हैं, आपका छूट जाता है, तो गी पे जोर पड़ रहा है, गी पे हमारा सम है पहली मात्रा। ठीक है, तो हम गी से गाने को शुरू करेंगे। गी एक सफर है सुहाना, गी एक सफर है सुहाना, और वैसे अगर 4 बीट से उठाएंगे तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी, जिंदगी, देखिए पहली मात्रा पे आ रहा है सम, तो जिन हमारा 4th मात्रा पे है, तो ये गाना भी हमारा 4th मात्रा से शुरू होगा। ऐसे हजारों गाने हैं जो आपके खाली से शुरू होते हैं। 4 बीट में अगर हम गाने को काउंट करेंगे, तो हम अगर गाना जैसे ये हमारा जूता है जापानी या जिंदगी एक सफर सुहाना, ये गाने आपके जो है खाली बीट से उठ रहे हैं, जैसे हमारा जो 4th मात्रा है वहां से उठ रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको हमेशा
यहां से काउंट करेंगे, पहली मात्रा से काउंट नहीं करेंगे, पहली मात्रा पे तो हमें सम को लाना है। जिंदगी, हमने वहां से गाना लिया जहां पे हमारा सम पहली मात्रा पे आ जाए, तो देखिए फटाफट वो आपका उसमें बच जा रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर समझ पाए होंगे ताल को। ये मैंने दो गाने अभी आपको बताए, ऐसे हजारों गाने हैं। ये हमारे खाली से शुरू हो रहे हैं, ऐसे जो गाना हमारा सम से शुरू होता है उसमें भी हमें पहली मात्रा से नहीं। अगर हमारे किसी गाने में जोर पहली मात्रा पे ही पड़ रहा है तो उसको हम पहली मात्रा से शुरू करेंगे, और अगर जोर हमारा दूसरी मात्रा पे पड़ रहा है तो उसको हम चौथी मात्रा से शुरू करेंगे, या ऐसी जगह से शुरू करेंगे जहां पे हमारा जो जोर पड़ रहा है वो पहली मात्रा पे आ जाए, ठीक है। तो ताल की किसी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ताल की प्रॉब्लम है, आप नहीं गा पा रहे हैं, देखिए ताल की प्रॉब्लम दो तीन तरह की होती है। एक होती है जिसमें आपका आपको सम या खाली समझ नहीं आता है, बाकी आपकी स्पीड अच्छी है, आप बजा सकते हैं और अच्छा बजा भी ले रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो सम और खाली समझ में नहीं आ रहा, तो उसको इस तरह से समझेंगे। एक होता है जिसमें हमें सम और खाली तो समझ में आता है, हम ठा भी सही जगह से ले रहे हैं लेकिन हम ताल के साथ बजा नहीं पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें फिर आपकी स्पीड की प्रॉब्लम होती है कि जिस स्पीड में, जिस टेम्पो में हमारा गाना बंधा हुआ है उस टेम्पो में हम उस गाने को नहीं बजा पा रहे हैं, और इसीलिए हमारा गाना कहीं छूट जाता है, कहीं आगे निकल जाता है, कहीं पीछे रह जाता है, तो वो होती है हमारी स्पीड की प्रॉब्लम। अगर गाना आपका बजते बजते कहीं पे एक बोल छूट गया, कहीं दो बोल छूट गए, हम उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो आपकी स्पीड की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर आपको अपने हाथ को तैयार करने की जरूरत है, माइंड को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि हाथ और माइंड दोनों जब एक साथ चलते हैं और जब कोई गाना बजता है तो गाने में हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो चीज पूरा गाना हमारा ताल पे हमारा फोकस होता है, हारमोनियम पे फोकस होता है, गाने की लय पे फोकस होता है, शब्दों पे फोकस होता है, कई चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में एक साथ चलती हैं, और सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है एक स्पीड, जो एक इक्वल स्पीड बांधी गई। जैसे 200 की स्पीड में गाना बांध दिया गया तो 200 की स्पीड में कहीं पे सिंगल बीट में गाना बज रहा है, कहीं डबल बीट में आ गया, कहीं ट्रिपल बीट चौबल बीट आ गई है, कहीं एकदम से एक ही बीट में 400 लेने पड़ गए, कहीं दो लेने पड़ गए, कहीं हमें रुकना पड़ गया, ये सारा काम आपको उसी इक्वल 200 की जो स्पीड होती है उसी में हमें करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए स्पीड की जरूरत होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ताल की और आप नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को, तो भाई देखिए मेरे साथ बैठिए, और जब तक हम आपको सुनेंगे नहीं तब तक हम ऐसे नहीं समझ सकते कि आपको ताल की क्या प्रॉब्लम है, सम खाली वाली प्रॉब्लम है या स्पीड की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। जो भी है वो जब आपको सुना जाता है तो वो चीज समझ में आती है, फिर उसी पे काम किया जाता है, काम करते हैं तो वो चीज सही हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और ताल अगर सही नहीं है तो कहरवा ताल को लगा करके जैसे मैंने बताया ऐसे अपने गानों को जज करें और उनके साथ रियाज करें। रियाज करेंगे तो आपकी ताल मुझे लगता है बहुत जरूरी जल्दी सही हो जाएगी, ठीक है। और नहीं सही होती तो क्लास ज्वाइन करें, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल करके आपको सामने बैठा के सिखाया जाता है, प्राइवेट क्लास होती है, 1x1 सिखाता हूँ मैं ग्रुप में कोई क्लास नहीं लेता हूँ, मैं जिसको भी सिखाता हूँ भले उसको मैं एक घंटा दूँ, एक घंटे की वैसे क्लास हमारी एक ही घंटे की होती है, एक घंटा जो आपको दिया जाता है वो पर्सनली आपके लिए होता है, आपके ऊपर फोकस होता है। जब आप हमारे साथ बैठते हैं और मैं कोई चीज़ समझाता हूँ तो उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर वो हो नहीं पाती, इसीलिए पहले मैंने कभी ग्रुप क्लास की थी लेकिन मैं अब नहीं करता हूँ, अब मैं सबको पर्सनली क्लास देता हूँ, एक घंटे की क्लास होती है जिसमें सिर्फ आपको ही सिखाया जाता है और वो क्लास सिर्फ आपके लिए होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।